Hello, bachcho. Let's see the question. The question says the assertion is fluorine has negative electron gain enthalpy than chlorine, and the reason is fluorine has smaller size than chlorine. We need to know the key concept of this question is electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव गैशियस आयन. राइट, जब कोई भी एक एटम, सपोज ए एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक नेगेटिव गैशियस आयन बना लेता है, वो जो एनर्जी रिलीज करता है, जो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब यहां पर बोला है फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन. सो हमें जानना जरूरी है कि जो फ्लोरीन क्लोरीन जो हैलोजन्स होते हैं वो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि वो अटेन कर ले नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. राइट, उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर वो एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो 8 हो जाएंगे एंड वो एक नोबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है. सो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एक अट्रैक्शन फेस करता है एंड जो ऑर्डर है द ऑर्डर, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन साइज, तो इनवर्सली ये डिपेंड करती है. जितना बड़ा एटम होगा उसका न्यूक्लियस उतना दूर होगा आउटर शेल से, तो इलेक्ट्रॉन अगर आउटर शेल में आ रहा है तो उसको थोड़ी कम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स फेस करनी पड़ेगी. वेयर एज जो छोटे एटम्स होते हैं, सपोज छोटा एटम है ये एक एंड यहाँ पर न्यूक्लियस है एंड आउटर मोस्ट शेल में हम इलेक्ट्रॉन भेजना चाह रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली ज़्यादा न्यूक्लियस का पुल अट्रैक्शन फेस करेगा. राइट, सो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है साइज से. अब एक्सपेक्टेड क्या होता है हैलोजेंस में, एक्सपेक्टेड क्या होता है कि कुछ ऐसा ऑर्डर देखने को मिले कि जितना साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स जा रहे हैं साइज इनका इंक्रीज कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ऐसे इंक्रीज करनी चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं. बट रियलिटी में, या फिर हम कह सकते हैं करेक्ट जो एक्सपेरिमेंट से पता चला वो कुछ ऐसा पता चला कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड देन बाकी एटम्स के लिए द ऑर्डर इज नॉर्मल जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था. अब ऐसा होता क्यों है? इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन एक बहुत ही छोटा एटम, इज अ स्मॉल एटम. स्मॉल एटम होने की वजह से, छोटा एटम होने की वजह से ऑलरेडी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो डिस्प्ले करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. जब स्पेस छोटी है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो आपस में रिपल्शन शो करेंगे एंड जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है, दस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन. समझ आया? तो ऑलरेडी एफ एक छोटा एटम है, उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो होते हैं. अब बाहर से अगर एक इलेक्ट्रॉन आने के अंदर कोशिश करेगा तो उसको इतना ज़्यादा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं एक्सपीरियंस होगा कि वो आराम से अंदर आए एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करे. सो द रीजन दैट इज फ्लोरीन हैज अ स्मॉलर साइज देन क्लोरीन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द आंसर विल बी ऑप्शन ए. दैट एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.